नाज़रीन, इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं आपको बताते हैं और साथ साथ विजिट भी करवाते हैं। आइए मेरे साथ। ये है रिसेप्शन। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई शिकायत अपनी लेकर आते हैं या किस भी हवाले से आपको कुछ भी जानना होता है तो ये रिसेप्शन है, यहाँ पर आपको जो है वो अटेंड किया जाता है। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, अंदर चलते हैं। और यहाँ आई थिंक मीटिंग हो रही है, तो आगे चलते हैं। आपको अब जो इस जगह की सबसे ख़ास बात है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जगह कौन सी है मैं आपको बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये मैप दिखाती हूँ। ये मैप आप देख सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का पूरा मैप है और इसमें 8 ब्लॉक्स है। स्पेशली मैं अगर आपको बताऊँ कि B, C, E और F ब्लॉक्स, यहाँ पर पूरा जो है ना वो कैमरे का सिस्टम लगा हुआ है कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम जो CCTV कैमरास मेरे अकब में आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम कैमरास जो है वो इन ब्लॉक्स में इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कोशिश ये की जा रही है कि जराइम की वारदातों पे काबू पाया जा सके। और काफ़ी हद तक, अगर मैं ये कहूँ कि 90% तक काबू पाया जा चुका है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे मरासूरी साहब से। नाज़रीन, हमारे साथ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ ऑर्गेनाइज़र मुराद सोनी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुराद साहब, लग नहीं रहा ये अतराफ़ में देखकर कि हम थाने में बैठे हुए हैं। ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें तमाम मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि एक कंट्रोल रूम है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि कम्युनिटी पुलिसिंग का आइडिया कैसे जनरेट हुआ, आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया और क्या दुश्वारियाँ आई? देखिए, हर काम में आपको पता है, अच्छे सच्चे काम में दुश्वारियाँ तो आती रहती है। आइडिया सिर्फ ये निकला कि जिस तरह मैं CPLC का चीफ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का 92 से हम CPLC बनाने वालों में से हम हैं, तो 12 साल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का चीफ रहा। फिर अपने जो मेरी कम्युनिटी भी थी उसमें मैं बड़ा एक्टिव था। तो इस वक्त जो जब CPLC बनी तो अगवा बरए तावान और एक्सटॉर्शन के बड़े केसेस थे, उसको देखा। लेकिन जो हालिया दौर में जो देखा, इस वक्त कराची का एक इशू है, वो इशू है स्ट्रीट क्राइम। तो स्ट्रीट क्राइम जो है ना, उसमें मेरा अपना तजर्बा ये है कि जब तक आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप स्ट्रीट क्राइम ख़त्म कर ही नहीं सकते।